हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे भारत के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, भारत ने पता है अपने लास्ट तकरीबन 1 लाख सालों से है ना, किसी भी एक कंट्री पर हम लोगों ने अटैक नहीं किया है। ठीक है ना, ऐसे लगता है ना, नहीं किया भाई, हमारी साइड से अटैक नहीं हुआ। जब कई संस्कृतियों में 5000 तकरीबन साल पहले घुमंतू वनवासी, तो घुमंतू में जो घूमते रहते थे नोमैड्स जो थे है ना, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। तकरीबन 5000 साल पहले की बात हम बता रहे हैं। और आगे बात करते हैं, भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी से बना, ये तो सबको पता है, जिसके आसपास की घाटी में आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थी, जैसे कि अभी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम लिया। आर्य पूजकों में इस इंडस नदी को सिंधु कहा गया और सिंधु से ही हम लोगों ने क्या बना दिया, हिंदू। ठीक है ना, तो हिंदुस्तान हो गया। यही आ गया नेक्स्ट वाले फैक्ट में कि ईरान से आए जो आक्रमणकारी थे जिन्होंने अटैक किया था, सिंधु को हिंदू की तरह यूज़ किया क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था। तो हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का ये मिला जुला एक रूप है ना, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है कि हमारा जो ये इंडिया है वो किसके लिए है, वो हिंदुओं का है। चेस भारत में ही खोज की गई थी। बीजगणित, त्रिकोणमिति, कलन, भाई ये सब कुछ भारत में है, सब कुछ इंडिया से ओरिजिन हुए हैं। ठीक है ना, आगे बताते हैं, स्थान मूल प्रणाली और दशमलव प्रणाली मीन्स डेसिमल्स, ठीक है ना, और प्लेस वैल्यूज़, ये भी भाई भारत में इसी का हुआ था, वो भी 100 BC में ही हो गया था। आगे बहुत अच्छा एक और फैक्ट आ जाता है कि विश्व का जो प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है वो तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन टुकड़ों से बने हुए हैं। यह भव्य मंदिर राजा राज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 साल की अवधि में बन करके तैयार हो गया था। बहुत बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है, और सिर्फ उसको बनाने में 5 साल लगे थे, डेडिकेशन था कारीगरों का। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई, सबसे बड़ा, अगर हम डेमोक्रेटिक बात करते हैं सबसे बड़ा, और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सांप सीढ़ी का खेल भाई, ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मेरा फैक्ट है। सांप सीढ़ी का खेल अपन खेलते हैं ना, लूडो के साथ जो होता है, वो पता है अपने कहाँ, अपने इंडिया में तैयार हुआ था, वो भी सभी कवि संत ज्ञान देव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से क्या कहते हैं, मोक्ष पट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस खेल में सीढ़ियाँ वरदानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो सीढ़ी नहीं मिलती बीच बीच में अपन को, वो कहते हैं कि वो हमें क्या मिली है, वो हमें वरदान मिले हुए हैं, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते हैं। इस खेल को कौड़ी तरह पासी के साथ खेला जाता था ना पहले, आगे चलकर इस खेल में कई सारे बदलाव हो गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा कि अच्छे काम, अच्छे अगर हम डीड्स करते हैं तो हम स्वर्ग की ओर जाएंगे, और जबकि अगर हम खराब कर्म करते हैं तो वापस हम नीचे उतर जाते हैं। है ना मज़ेदार बात, बहुत सच में बहुत अच्छा कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हम एक बार में हमें सीढ़ियाँ वो ब्लेसिंग्स मिलती चली जाती हैं और हम बाहर निकल जाते हैं, यानी कि हम मोक्ष मार्ग पे पहुंच जाएंगे, और अगर हम खराब कर्म करेंगे तो वापस हम इसी संसार में उलझ के रह जाएंगे। दुनिया के सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चैल नाम का स्थान है। पता है समुद्र तट से कितना ऊंचा है, ये 2444 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। भारत में विश्वभर में सबसे अधिक संख्या में डाकखाने स्थित है, सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यह 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है ना अमी जी। और आगे चलते हैं, विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 720 में तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। ये ऐसा नहीं है कि अभी फॉरेन कंट्री में अपन लोग यहाँ से जाके पढ़ते हैं, पहले फॉरेनर्स यहाँ पर आकर के पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 14वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक था, नालंदा विश्वविद्यालय। आयुर्वेद जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है, मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है, और शाखा विज्ञान के जनक जो थे चरक में 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समीकरण किया था, वो भी इंडिया में हुआ था, कहीं और नहीं हुआ था। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है, शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले ही आयुर्वेद का समीकरण कर दिया था। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले संपन्न देश था,
क्रिस्टोफर कोलंबस, उस भाई उसने भारत की इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी से तो अट्रैक्ट हुआ था और समुद्री मार्ग खोजने चला, पर गलती से उसने क्या खोज लिया, अमेरिका को खोज लिया। वो आए तो थे इंडिया को खोजने के लिए। नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंधु नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नव गति से उत्पन्न हुआ है। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नौ से हुआ है। ये नौसेना है ना अपनी, ये नौ से निकला हुआ है। संस्कृत सब कुछ ऑरिजिन ही संस्कृत से हुआ है। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई सौ साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना कर दी थी, जबकि वो लोग कभी ऊपर नहीं गए थे वहाँ पे स्पेस में, फिर भी यहाँ से बैठे बैठे सब काम करते। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365+258756484 दिन का समय लगता है। ओ भगवान, कितने ब्रिलियंट थे ना ये लोग। चल आगे चलते हैं। भारतीय गणतज्ञ बुधायन द्वारा पाई होता है ना 22/7 जिसका फॉर्मूला है भाई, और उन्होंने जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में ही कर ली थी, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफ़ी पहले हो गई थी, है ना। हम लोग सोचते हैं यूरोप से है, चाइना से आया है। बीजगणित, त्रिकोणमिति, कलन का उद्भव भी भारत में हुआ है। चतुष्पद समीकरण इक्वेशंस हैं वो 11वीं शताब्दी में भी श्री धराचार्य द्वारा किया गया था। बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट लोग रहे हैं अपने, ऐसा नहीं है। ग्रीक तथा रोमनों द्वारा उपयोग की गई सबसे बड़ी संख्या 106 थी, जबकि हिंदुओं में सबसे बड़े अंकों का उपयोग किया गया 10^53 का, के साथ विशिष्ट नाम 5000 BC के दौरान ही हो गया था। आज भी उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या 13^10^12 है भाई। ये अब आप मान के चलें कि इंडिया में जो ओरिजिनलिटी जो यहाँ पे हो गया वो बाद में उन लोगों ने ठीक उस पर कर लिया, बाकी जो ओरिजिन हुआ वो यहीं पर ही हुआ। वर्ष 1896 तक भारत विश्व में हीरे का एकमात्र स्रोत था। बेलीपुल विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। यह हिमाचल पर्वत में द्रास और सुरू नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। और चलते हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जगन्नाथ कहा गया है। शल्य चिकित्सा समझ रहे हो ना। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उसके सहयोगियों ने मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों को लगाना, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, अस्थिभंग जोड़ना यानी कि हड्डियां जो टूट जाती हैं उनको जोड़ना, मूत्राशय की पथरी, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा क्रियाएं आदि कर दी थी। 2600 साल पहले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। निषेधक का उपयोग भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में भली भांति ज्ञात था। शारीरिक की भ्रूण विज्ञान, पाचन, चयापचय, शरीर विज्ञान, इटियोलॉजी, आनुवांशिकी और प्रतिरक्षा विज्ञान आदि विषय भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ही पाए जाते हैं। 4 धर्मों का जन्म हुआ भारत में, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, और जिनका पालन दुनिया की आबादी को 25% हिस्सा करता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म की स्थापना 600 BC और 500 BC में हुई थी। और इस्लाम भारत का दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है भाई। भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनोयोग कोचीन शहर में है। इनका निर्माण क्रमशः 1503 और 1568 में किया गया। विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक भवन अंकोरवाट हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया में 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। सिख धर्म का उद्भव पंजाब के पवित्र अमृतसर शहर में हुआ, पता ही है सबको। यहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की स्थापना 1577 में की गई थी। वाराणसी जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है। जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में ही आगमन किया तो आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है ये वाराणसी। अब तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। माननीय दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निर्वासित धार्मिक नेता हैं, जो उत्तरी भारत के धर्मशाला में अपने निर्वासन में रहते हैं। युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में किया गया और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। योग कला का उद्भव भी भारत में हुआ और ये 5000 वर्ष से अधिक समय से यहाँ मौजूद है। आई थिंक आपको मेरे फैक्ट्स और भारत के बारे में कुछ रोचक तथ्य बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, तो आगे के लिए हम एनकरेज हो जाते हैं। तो फिर ओके, गुड बाय।